मशीन भी फोकस रखना है। हाँ जी वो पूरा जैसा डेमो होता है इस तरह से। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन करनी है सर आपने, और जो इसके बैक पे बटन है ना वो हाफ प्रेस होता है, बटन चेक करा दो। तो ये ना हो गया हाफ प्रेस करें आप, हाफ प्रेस नहीं करना है इसको, जब प्रेस करना है ऐसे पूरा प्रेस करना है, हाफ प्रेस करते हैं तो मशीन ऑन होकर दोबारा ऑफ हो जाती है, इस पूरा प्रेस होगा तो इस तरह ये डिस्प्ले आ जाएगा। अभी ऊपर आ रहा है कि इंटरलॉक एक्टिव, मतलब ये मशीन चलेगी नहीं क्योंकि विंडो ओपन है, वो विंडो देखे ना उन्होंने ओपन की हुई है, जैसे ही कम्प्लीटली क्लोज करेंगे वो चला जाएगा, गायब हो जाएगा। अब हमारे पास लिमिटेड सेटिंग्स हैं, वो सेटिंग्स क्या क्या हैं इसमें, ये डेट्स वगैरह सेट कर सकते हैं सारा का सारा, उसकी लैंग्वेज यूनिट्स आप चेंज कर सकते हैं, यूनिट्स में जाके अपने हिसाब से मेट्रिक में जाना है, एम्पिरिकल जिसमें जाना है, और ये बता उसके दें अलावा ना ही चेंज करें तो बेहतर। हाँ ना ही चेंज करें, लेकिन लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को ज़रूरत है तो अपने हिसाब से वो कर लें। सारा ऐसा ही सिस्टम है करते और हैं, उसके बाद ये ये मेन मोड्स चीज है, है मेन चीज़ ये है। अब अभी ये मोड बेसिकली ये क्यूब वाला मोड एक्टिवेट हुआ हुआ है, ये वाला कंप्रेशन कंप्रेशन मोड, में जो है, और वो जो दूसरा है वो जो फ्लेंकर वाला है। फ्लैगियर वाला है वो अभी बंद हुआ हुआ है। आपने मेक श्योर करना है कि पहले एक तो यहाँ से मोड चेंज हो, और दूसरा इसको भी आप ये 250 पे ले आएँ, मतलब ये ना हो कि आप 25 पे रखें, क्योंकि अगर 25 पे होगा तो ये फ्लैगियर मोड एक्टिवेट होगा, अगर 250 पे होगा तो ये कंप्रेशन वाला एक्टिवेट होगा। यहाँ से पहले 250 करें इसको, और इधर से सेटिंग चेक कर लें कि ये एक्टिवेट है, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे फेलियर की सेटिंग है, अब फेलियर का लेवल लाइक मैं तो 15% पे रखता हूँ कि अगर 15% फेलियर हो तो ये मशीन रुक जाए, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ लेनी होती है वो 50% तक भी जाते हैं, तो आप यहाँ से अपने हिसाब लेकिन से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन 50% इन चीज़ों को बेहतरीन है। बता दो कि नहीं छेड़े था हाँ ना पहले ही किसी छेड़े तो वजह से, बेहतर और है, इन इन चीज़ों को फिफ्टीन नहीं छेड़े परसेंट बहुत बेहतर है हो जाएगी, इसमें क्रैक्स आ जाए ना तो ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो जाती है, बंद हो मशीन को जाए। ज़्यादा वो दबाना नहीं पड़ता उस सैंपल को। उसके बाद ये फेलियर थ्रेश होल्ड है, यानी कि ये इतना ही लोड रहने दें, इसको ये इसको भी ना इतना छेड़ें। ही ये बाकी सारी बता दे कि नहीं टेरा छेड़े लिमिट बेहतर, इसका मुझे भी नहीं पता, उनको बता दे इसके अलावा बाकी किसी को ना ये इसकी छेड़े जो सेटिंग हुई है ना पहले से। सैंपल फेलियर सेटिंग की, ये जो मैंने मैनुअल पढ़ा था ना उसमें भी यही सेटिंग थी उनके सेटिंग पास, में तो मैंने उसी हिसाब से पहले दिन की थी, उसके बाद ये खुद ब खुद चेंज नहीं हुई, अल्लाह संडिल कोई अपने हिसाब से चेंज करना चाहे। उसके बाद मोड वेरीफाई करना होता है कि इस वक्त मोड चल कौन सा रहा है, तो आप इसको प्रेस करके आपको पता चल जाएगा कि ये वाला मोड चल रहा है, ये वाला मोड चल रहा है, लेकिन इसमें आपको जाने की जाने ज़रूरत की नहीं जरूरत है नहीं है। क्योंकि RID आपको यहाँ से पता चल जाएगा आपका। अगर तो यहाँ पे आपका वो ना वो लंबा जो सैंपल होता है ना, क्यों जो बार वाला प्रिज्म सैंपल होता प्रिज्म है बीम 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 टाइप का जो होता है जिसमें प्रिज्म फ्लैगियर होता है, वो अगर वो बना आ रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमारा फ्लैगियर का मोड एक्टिवेट है। अगर कुछ भी नहीं बना आ रहा तो इट मीन्स कि आप जैसे इसे प्रेस करोगे ना तो आपके पास सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, तो आप अभी कंप्रेशन मोड में हो, इसको सिलेक्ट करो, सैंपल का साइड कुछ 40 का बनाते हैं, कुछ 50 का, कुछ 70 का बनाते हैं, नॉर्मली 50 के बनाते हैं, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो। अब अगर अपना आपके पास ज़्यादा सारे सैंपल हैं तो अपना नाम दे दो ताकि एक तरतीब बन जाए आपके सारे सैंपल्स के रिजल्ट्स की। यहाँ पे इसको सेटिंग 50 mm, अगर फिर भी चेंज करना चाहो तो इसकी इसमें जाके आप ये चेंज कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज आपने 50 के बनाते हैं 2 इंच का तो इशू नहीं है। मैक्सिमम होता ही 2 इंच और का है या ये 40 का। लोडिंग रेट है जो 50 जो 2 इंच वाला सैंपल होता है वो होता है 900 से 1800 तक, ठीक है, न्यूटन पर सेकेंड, तो उसके हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू RID एडजस्ट की हुई है 1.8। लेकिन अगर आपका सैंपल मोर्टार की जगह किसी और का है, पेस्ट वगैरह का है, तो उस हिसाब से आप इसको चेंज करो। जब आपकी ये सेटिंग सेट हो जाएगी तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं नहीं स्टार्ट करूँगा, मैं चेंज कर दूँगा। अभी इनका इनकी जो वैल्यू है ना, इनकी वैल्यू कितनी रखनी है हमने, 0.6 किलो न्यूटन, 0.6, 6 किलो न्यूटन, ये दोबारा नीचे दबाएंगे, ये ये अब ठीक है पॉइंट जी, सिक्स हो पॉइंट गया सिक्स हो गई। अब इनकी सब कुछ सेट है, इन्होंने लॉक किया हुआ है मोड 1, ये देखें यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका कंप्रेशन मोड है, और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसको कुछ टाइम लगेगा, जब ये सर्विसेज आपस में मिलेंगी देन इसकी वैल्यूज़ बढ़ना शुरू होगी, अदरवाइज़ ये चेक कर सकते हैं, अगर ये इसकी सर्विस ऊपर उठ नहीं रही ना इट मीन्स कि मशीन चल नहीं रही, आपने या तो लॉक से इतना नहीं की हुई या मशीन का कोई मसला है। अभी आपकी सर्विस ऊपर उठती नज़र आएगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मशीन चल रही है। टेस्ट कंप्लीट करा दो। वो एडवाइस मुझे आप देंगे तो अगले पॉइंट में चेक करेगा।
ठीक है, अगर वो आपकी बात नहीं सुनता अकाउंटेंट वहाँ का, जब वो लोग नहीं बात सुनते तो मैं आपको समझाऊँगा कि किधर बैठे हुए, कौन से अकाउंट में बैठे हुए। इनवाइस इशू होगी ना तो उसके अगेंस्ट पेमेंट होगी। अब वो 32 तारीख जवाब दे रहे हैं तो उसके बगैर ही हो जाएगी। मुझे पता कौन बंदा मुझे पूछता है गौर मेरे खाते से तो बिल दिखाऊंगा तो पैसा निकलेगा। दूसरा जो हमारा बात करने